नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान और सूरज कुंड में जनेऊ संस्कार का विशेष महत्व माना जाता है और इस बार उत्तरायणी मेले के राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों पर कोरोना गाइडलाइंस के तहत रोक लगाई गई है, जिसके चलते जिले में केवल धार्मिक आयोजन ही किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति पर जनेऊ संस्कार के लिए सूरज कुंड घाट पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो आखिर क्यों सूरज कुंड घाट पर जनेऊ संस्कार को पवित्र माना जाता है, चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड की भूमि है, वो भी आज मकर संक्रांति का बड़ा पर्व है, तो यहाँ पर जो सरयू है ये शरमूल से निकलती है और ये सीधे ही समझे गंगा सागर में पूरा तीर्थों को मिलाते हुए चलती है। तो यहाँ पर जो सरयू गंगा है ये उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर इसका यहाँ पर मुँह है, इसलिए इस जगह विशेष महत्व होकर के इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। और परंपरा के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार में यहाँ पर यज्ञोपित संस्कार का जो है बड़ा ही महत्व है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग, हल्द्वानी से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर इस प्रकार अपनी बच्चों का यज्ञ संस्कार करने के उपरांत जो है पुण्य के भागी बनते हैं। जहाँ तक जानकारी, यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा एक तीर्थ माना गया है और काफ़ी मान्यता यहाँ की है, इसी कारण हम भी रानीखेत से यहाँ पर आए हैं अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार करने के लिए। और काफ़ी मान्यता यहाँ की है, एक काशी के बराबर बागेश्वर की मान्यता मानी गई है, इसी को देखते हुए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। मकर संक्रांति के दिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सरयू नदियों का बहुत बड़ा महत्व है, ये एक अपनी तरफ से उत्तर दिशा को बहती है और हर साल की तरह यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था लेकिन आज नहीं हुआ, इसी इस महत्व को देखते हुए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे। इसका महत्व, सूरज कुंड का तो बहुत ही महत्व है बागेश्वर में, वो खासतौर पर मकर संक्रांति की उत्तरायणी के दिन पे। हम भी आज बहुत लंबे समय के बाद अपने बेटे का उपनयन संस्कार यहाँ पे कर रहे हैं और इसका महत्व ये है कि ऋषि मार्कंडेय यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी तो उनका आशीर्वाद इस बागनाथ नगरी पे हमारे पे है। और बहुत, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से कई लोगों का ये शुभ काम रुका हुआ था और आज हमें बहुत खुशी मिल हो रही है कि हमको आज ये फिर मौका मिला है। थोड़ा शांत है माहौल तो इस वजह से हम अपने बच्चे का करा पा रहे हैं। बागेश्वर जो है सूरज कुंड धाम है, ये बहुत लंबे समय से यज्ञोपवीत संस्कार के लिए पवित्र जगह मानी गई है। यहाँ दूर दूर से जैसे कि गढ़वाल, अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी और हरिद्वार से भी यहाँ जनेऊ संस्कार के लिए आते हैं और बहुत लंबे समय से यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार होते रहे हैं और आज भी इस तीर्थ स्थान की बहुत ही महत्वता है। गिरया जागरया यदीन यमाश भेटनर आया खुगुती त्यार मनुनर आया। आज हम पहुंचे हैं सूरज कुंड के मैदान में और यहाँ पर मकर संक्रांति के मौके पर जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसका बहुत महत्व यहाँ पर माना जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और लोग दूर दराज से यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार के लिए पहुँचे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचे हुए हैं और अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि कोरोना की वजह से यहाँ पर इस बार उत्तरायणी मेला नहीं मनाया जा रहा है लेकिन फिर भी लोगों में यहाँ पर धार्मिक आस्था है और यहाँ पर वो यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर वो लोग मना रहे हैं। आइए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर और क्यों यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं। पंडित जी, यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार क्यों किए जाते हैं? आज मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत बड़ा ये पर्व माना जाता है, चूंकि जो सरयू नदी यहाँ पर बह रही आप सामने देख रहे हैं, इसका थोड़े आगे जाने के बाद गोमती के साथ संगम होता है, उसे यहाँ पर त्रिवेणी कहा जाता है, बागनाथ जी की भूमि है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सरयू गंगा है शरमूल से निकलती है,
पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, तो यहाँ पर इसकी जो दिशा उत्तर की ओर होती है, उत्तर वाहिनी होने की वजह से ही इसका विशेष यहाँ पर महत्व है। लगभग कितने सालों से यहाँ पर ये मनाया जाता है? तो युगों से है, ये कितने पुस्तों से है इसके, हमारे मतलब दादा परदादा कब से यहाँ पर चले आ रहे, जब से संगम बना है यहाँ पर तीर्थ बना है, क्योंकि एक ऐसा ये माना गया है कि ये सरयू जो है अंत में गंगा जी में मिलती है, ठीक है। और भारतवर्ष में केवल दो ही ऐसे स्थान हैं, ये तो बनारस में है और यहाँ पर, जहाँ की ये गंगा जी उत्तर की वाहन को प्रभावित होती है, उत्तर वाहिनी कहा जाता है, इसलिए इस जगह का विशेष महत्व है। और लगभग कितने लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए होंगे और कहाँ कहाँ से पहुँचे होंगे? यहाँ पर आज जो है नैनीताल से, हल्द्वानी से, अल्मोड़ा से, रानीखेत से, चकुटिया से, और यहाँ के जो स्थानीय लोगों को तो समझिए यहाँ पर विशेष कर ही आते हैं, मतलब यहाँ का विशेष ही महत्व है यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, इसको हरिद्वार के बराबर इसकी मान्यता है, ये माना गया। और यज्ञोपवीत संस्कार का क्या महत्व यहाँ पर रहता है? यज्ञोपवीत संस्कार मनुष्य के जीवन में पहला एक संस्कार ऐसा है कि जो जीवन में एक बार होता है, विवाह तो दो बार भी हो सकते हैं, मगर ये एक ऐसा संस्कार है जो केवल एक ही बार होता है जीवन में, इसलिए इसका विशेष महत्व है और आज के दिन का तो विशेष ही महत्व हुआ, यही है। जैसा कि आपने देखा पंडित जी ने हमें बताया कि जो आज के दिन का जो महत्व है वो काफ़ी यहाँ पर महत्व है और आज के दिन यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ यहाँ पर है, हजारों की तादाद में भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और सभी लोग अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस तरीके से पंडित जी ने हमें बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो इंसान की ज़िंदगी में पहली बार एक ही बार होता है, वो संस्कार यहाँ पर आज किया जा रहा है, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया और हमने कोशिश करी कि आप जो बागेश्वर में सूरज कुंड का महत्व है उसको समझ पाएँ, उसको जान पाएँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं और हमने आपको दिखाने की कोशिश की बागेश्वर से। मैं लता, न्यूज 31 उत्तराखंड के लिए। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।